हमारे चैनल पर आप सभी आगंतुकों का, साधकों का और जिज्ञासुओं का स्वागत है। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं अपनी बात आपसे जब भी साझा करूं आपको शीघ्र मिले। आज गायन की कक्षा में गायन की बात करेंगे और स्वरों को किस प्रकार गले से साधें और उसका पहला कदम क्या हो, इस पे चर्चा करेंगे। स्वरों के अभ्यास के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि आपके पास कोई वाद्य हो, स्वर छेड़ने के लिए कोई साज हो जैसे तानपुरा, या स्वर बजाने के लिए हारमोनियम। मैंने इलेक्ट्रिक तानपुरा का इस्तेमाल किया है और इसे सी शार्प में रखा है, यानी पहली काली। आप अपने अभ्यास में कोई भी स्वर ले सकते हैं जहां से आपका गला स्वाभाविक रूप से स्वर बोल सके। बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा रखने की आवश्यकता नहीं है। स्वर और स्केल वहीं रखें जहां से आप स्वाभाविक रूप से गा सकें और बोल सकें। अभ्यास की शुरुआत में सबसे पहला अभ्यास होता है सा का अभ्यास। सा के अभ्यास के लिए तानपुरे की आवाज को ध्यान से सुने। पहले तो एक दो मिनट तक आवाज को सिर्फ सुने, उसके साथ बोले नहीं, सुने। थोड़ी देर तक सुनने के बाद जब आप महसूस करें कि गले को उसके साथ मिला सकते हैं तो बोलने का प्रयास करें। तो कैसे बोलें? सबसे पहला क्रम है कि आप गुनगुना के बोलें, जिसको हमिंग बोलते हैं, हमिंग करें इस तरह से। इस तरह से हमिंग कम से कम 3 मिनट तक करें, ज्यादा भी कर सकते हैं। हमिंग करने से बहुत फायदा होता है, गले में स्वरों की पकड़ बनती है, तो खूब करें हमिंग जब मौका मिले। और कोशिश करें उसके साथ एक होने का। ये सा की आवाज है और उसी को हमिंग में हम कर रहे हैं। कोशिश करें गहराई से बोलें, साफ साफ बोलें और गले से साफ साफ उस आवाज को बोलते हुए सुने भी। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी अभ्यास के लिए बैठें तो कोशिश करें कि आपकी जगह एकांत हो, आसपास में कोई हलचल ना हो, आप अपने तन और मन को स्थिर कर सकें, इससे स्वरों में भी स्थिरता आएगी।
इस तरह से हमिंग का अभ्यास करने के बाद आप फिर सा बोलने की कोशिश करें और सा को गहराई से लें। कोशिश करें कि सा पूरी तरह से मिले, जैसे आप हमिंग को मिलाने की कोशिश की वैसे ही सा मिले। स्केल कोई भी रख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि पहली काली से ही गाएं। जहां से आपका गला स्वाभाविक तौर पे बोल सके, गले पे जोर न पड़े, आप अपनी आवाज को ठीक से मिला सके स्वर के साथ, वहीं से आप गाएं। किसी भी स्वर को लेकर आप अभ्यास कर सकते हैं, आप अपना अभ्यास किसी भी स्वर को लेकर कर सकते हैं। और जब हमिंग का अभ्यास हो जाए तो पूरी सांस अंदर लें और फिर पूरी सांस तक सा बोलें। किसी की सांस छोटी या बड़ी हो सकती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उसी क्षमता से सा का स्वर लगाएं। बार बार सांस अंदर लें और सा बोलने की कोशिश करें और स्वर को मिलाएं। आवाज आपकी गहराई से आनी चाहिए। जब सा में भी आवाज मिलाना आ जाए तो एक बार हमिंग करें और एक बार सा करें, इस तरह से। जब हमिंग और सा में भी आपकी आवाज अच्छी तरह मिलने लगे
तब तीसरा कदम आता है, तीसरा स्टेप होता है आकारी में बोलना। ध्यान रखने की बात है कि हम सिर्फ सा की बात कर रहे हैं, अपनी आवाज को हम सिर्फ सा के साथ मिला रहे हैं। तो आ बोलने में ध्यान रखें, मुंह खुले और आ की पूरी आवाज आए। जिन साधकों को आ की आवाज समझ में ना आए वो इस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि मुंह को पूरा खोल लें। थोड़ी परेशानी होती है बाद में जब गले को हम खोल लेते हैं, आवाज हमारी पूरी आकार में खुल जाती है, तो फिर इतना मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती है। मुंह छोटा भी खोलेंगे तो आकार पूरी आएगी। तो एक बार हमिंग करें, एक बार सा का अभ्यास करें और फिर एक बार आकार में बोलें इस तरह से। इस तरह से बार बार सांस लें और इस तीनों स्टेप को बार बार बोलें। इस तरह से बोलें,
इस तरह का अभ्यास रोज करें। कब जब भी तानपुरा लेकर बैठे, हारमोनियम लेकर बैठे, या मोबाइल में एप्लीकेशंस भी आजकल है उसे भी ऑन करके अपने सुर को फिक्स करके उसके साथ अभ्यास करें। जब भी आप अभ्यास करें इसका रोज अभ्यास करें, एक दिन से नहीं होगा, बार 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 करना होगा। रोज सा का अभ्यास करें, कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक सा का खूब अभ्यास करें और आप देखेंगे कि प्रतिदिन के अभ्यास के बाद आपके गले में सा स्थापित होता जाएगा। फिर आप बोलेंगे तो आपको आसानी होगी बोलने में, आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज स्वर के साथ मिल रहा है। तो आज के अभ्यास में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।